आज शाम 5 बजे झारखंड कैबिनेट की बैठक, सीएम के अध्यक्षता में होगी बैठक। लालू के तबियत में कोई सुधार नहीं, 25% किडनी ही है फंक्शनिंग, डायलिसिस की पड़ सकती है जरूरत। राष्ट्रीय किसान दिवस पर झारखंड के किसान बैठे उपवास पर, कहा केंद्र सरकार वापस ले कानून। नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 2 लाख इनामी पीएलएफआई कमांडर पुनई ढेर। चक्रधरपुर रेल मंडल के बीमलगढ़ रेलवे यार्ड में बेपटरी हुई मालगाड़ी, कोई हताहत नहीं। बोकारो में बीएसएल के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर लापता, परिजनों ने अपहरण की जताई आशंका। बुड्डू में कुएं में गिरा हाथी का बच्चा, रेस्क्यू जारी। बाबूलाल मरांडी ने फिर हेमंत सरकार पर बोला हमला, कहा नौकरी छीन रही है सरकार। नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आज रिम्स में यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अरशद जमाल, डॉक्टर बीसी राणा प्रताप, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेश टोपो, मेडिसिन के डॉक्टर डीके झा के निर्देशन में किडनी की जांच रिम्स के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हुई। इसके लिए उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड से अस्पताल के कार्डियोलॉजी बिल्डिंग के 5वें तले में जांच के लाए गए। इस दौरान रिम्स के अधीक्षक के साथ बरियातू थाना के पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। तो अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। संदीप, जानना चाहेंगे लालू प्रसाद के तबियत को लेकर क्या कोई जानकारी? जी, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता हैं और फिलहाल उनका इलाज रांची के रिम्स पेइंग वार्ड में चल रहा है। विगत दिनों की यदि बात करें तो जिस तरह से उनकी किडनी से संबंधित जो जानकारी मिली थी कि 25% ही उनकी किडनी कार्य कर रही है, और लालू प्रसाद यादव के जो डॉक्टर हैं उमेश प्रसाद, उन्होंने कई बार यह बयान दिया है कि 25% उनका किडनी काम कर रहा है, उसी की जाँच के लिए आज उन्हें न्यूरोलॉजी विभाग में उनकी किडनी की जाँच की गई है। ऐसे ऑफिशियल अब तक जो जानकारी है उसके अनुसार बात करें तो 25% ही लालू प्रसाद यादव की किडनी फंक्शनिंग कर रही है। वहीं विगत शनिवार को उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी आए थे लालू से मुलाकात करने के लिए, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि किडनी से जो संबंधित बीमारी है या फिर जो 25% उनकी किडनी फंक्शनिंग है उसके लिए एम्स के डॉक्टर और जो बड़े अस्पताल हैं वहां के किडनी विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं, और उनकी माने तो वे इस कार्य में लगे हुए हैं कि जो एम्स के जो इस किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनको एक बार रांची लेके आए और लालू प्रसाद यादव का जांच किया जाए, क्योंकि लगातार इस तरह के कई बार जो उमेश प्रसाद हैं उनके जो डॉक्टर हैं लालू प्रसाद का जो इलाज कर रहे हैं उन्होंने यह कहा है कि यदि 25% से किडनी फंक्शनिंग नीचे आती है तो कहीं ना कहीं फिर डायलिसिस की नौबत आ सकती है। ऐसे में उनके जो घर वाले हैं लालू प्रसाद यादव के, चाहे बेटे हों या फिर उनके घर वाले हैं, वे काफी चिंतित है और इसी को लेके वे जो एम्स हैं या फिर जो देश के बड़े अस्पताल है जहां पे किडनी के जो विशेषज्ञ हैं उनसे वे राय ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो विशेषज्ञ हैं वे रांची रिम्स आकर उनके पिता यानी लालू प्रसाद यादव की एक बार जांच करें, ताकि आगे की जो कर सकते हैं उनके जो स्वास्थ्य के लिए जो बेहतर उपाय करने चाहिए उसका उसे किया जा सके, या फिर जरूरत पड़े तो वे बाहर कहीं बड़े अस्पताल ले जाना चाहें तो उसके लिए भी वे कहीं ना कहीं उन विशेषज्ञों से राय मशवरा कर रहे हैं। जी संदीप, एक बात और जानना चाहेंगे, लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर के कोई सुधार नहीं हो रहा, हालांकि ये कहा जा रहा है कि 25% ही जो किडनी वो काम कर रही, डायलिसिस की भी जरूरत पड़ सकती है। इस पूरे मामले में रिम्स के डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है?
जी, आज जिस तरह से उनकी किडनी की जांच की गई जी कि फंक्शनिंग उन किडनी का कितना है, वह देखने के लिए आज जांच किया गया है। पर इससे पहले यदि डॉक्टरों की बयान की बात करें तो लगभग जो उमेश प्रसाद हैं, उनके जो इलाज कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के, उन्होंने साफ तौर पे कई बार कहा है कि 25% ही फंक्शन कर रहा है उनकी जी किडनी, और यदि उससे नीचे फंक्शनिंग रेट जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं डायलिसिस की नौबत आती है। यही वजह है कि आज फिर से एक बार लालू प्रसाद यादव की किडनी जांच की गई है, ताकि जो वस्तु स्थिति है या फिर जो जी किडनी का फंक्शन है उसे जाना जा सकता है। क्योंकि जो कयासे इससे पहले भी लगाई जा रही थी कि 25% से यदि किडनी का फंक्शन नीचे आता है जी तो इमरजेंसी में कभी भी लालू प्रसाद यादव को डायलिसिस की नौबत हो सकती है, जी तो इन चीजों को मॉनिटर करने के लिए ही आज कह जी सकते हैं उनके किडनी की जांच की गई है। जी और अभी तक यदि ऑफिशियल बयान कहें तो डॉक्टरों की तरफ से नहीं आया है, पर अब तक जो जानकारी मिली है उसमें यथावत उनकी जो किडनी की फंक्शनिंग है 25% वही है। जी संदीप, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से लगातार लालू प्रसाद की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही, और इस शनिवार को तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची भी गए थे रिम्स, और जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि एम्स के डॉक्टरों से बातचीत चल रही है। जी सही कहा, जिस तरह से तेजस्वी यादव काफी अंतराल के बाद, यानी कह जी सकते हैं जून के बाद पहली बार अमूमन 6 जी मिलने के लिए पहले महीना में 1-2 बार जरूर आया करते थे, पर अभी चुनाव होने के कारण 6 महीने के बाद लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई। और जी जिस तरह से जो समाचार मिल रहे थे उनको कि लालू प्रसाद यादव की किडनी 25% ही फंक्शनिंग कर रही है, ऐसे में जैसे ही उन्हें इलेक्शन के बाद समय मिला, वे अपने पिता से मिले, और पिता से मिलने के बाद उन्होंने इस पे जरूर चिंता जाहिर की है कि जो अभी यथावत स्थिति है लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की, तो कहीं ना कहीं उन्हें या तो फिर उच्च जो बड़े अस्पताल हैं या फिर जो एम्स के डॉक्टर हैं या फिर जी और भी कई बड़े अस्पताल देश में हैं, उनके जो किडनी किडनी के जो स्पेशलिस्ट हैं जी उनसे वे बात कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर उस दिन निकलते वक्त यह कहा भी था कि कई डॉक्टरों से उन्होंने राय ली है और उनकी कोशिश है कि उन डॉक्टरों को एक बार जरूर रांची के रिम्स विजिट कराया जाए, ताकि जी वे लालू प्रसाद यादव की जो यथास्थिति है अभी उसे देख के आगे जो इसमें कैसे काम करना है या फिर या तो यहां से उन्हें कहीं बड़े अस्पताल ले जाना है, जी जरूरत के अनुसार यदि डॉक्टर जांच करते हैं उसके पास जरूरत के हिसाब से वे आगे की काम करेंगे। जी बिल्कुल संदीप, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो बताते चले कि लालू प्रसाद यादव के तबियत में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, झारखंड कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है, शाम 5 बजे सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो झारखंड कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है और शाम 5 बजे सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। झारखंड कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है और शाम 5 बजे सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। रांची संत जेवीर स्कूल डोरंडा में मिशन 1 मिलियन स्माइल्स द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि गरीब लोगों के लिए संवेदनाएं प्रकट करें और हमारा देश वैश्विक महामारी के साथ साथ ठंड से भी जूझ रहा है, जहां यह सर्दी का मौसम गरीबों के लिए पीड़ादायक भी है और इन वर्गों को सामाजिक सहयोग करना और सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। कई क्षेत्रों में हमारे लिए चुनौती सामने खड़ा है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। मुसीबतें आती हैं और मुसीबतें जाती भी, इसके लिए ऐसे हालात और समय में हम सबको अपनी सामाजिक एकता और सबका सहयोग लेकर ऐसे आपदाओं से, ऐसे समस्याओं से
निपटना होगा और उन समस्याओं को और उन बाधाओं को निश्चित रूप से हम लोग पार भी कर पाएंगे। किसान दिवस पर आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में संघर्ष वाहिनी मंच के कार्यकर्ता आज रांची मोराबाद स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष उपवास पर बैठे और इनका कहना है कि हम किसानों के साथ है या सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और नई किसान नीति वापस होना चाहिए। तो झारखंड हेमंत सरकार के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर आगामी 29 दिसंबर को देवघर के कमलकांत स्टेडियम में जिला प्रशासन द्वारा विकास मेला सह ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा और जिसके सफल आयोजन को लेकर देवघर उपायुक्त मंजुनाथ वजंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ समाहरणालय में बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा विकास मेला में लगने वाले स्टॉल, योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन को लेकर किए जाने वाले कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो 29 दिसंबर को पहली वर्षगांठ की जो समारोह होगी उसके संबंध में हमने सारे तैयारियों का समीक्षा किया और बहुत एक समारोह की तरह इसका हम लोग उस दिन सेलिब्रेट करेंगे यहाँ KKM स्टेडियम में जिला स्तर से और राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम के लिए भी यहाँ से कुछ लोग लाभुक लोग वहाँ जाएगा। पूर्व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस उम्मीद से लोगों ने यूपीए गठबंधन को सरकार बनाने में साथ दिया आज सरकार ने लोगों को निराश किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को सत्ता में आते ही 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था परंतु इन्होंने नौकरी तो दिया नहीं बल्कि जो नौकरी कर रहे थे उनको हटाने की मुहिम में लग गए। बाबूलाल ने कहा कि सरकार ने अनुबंध कर्मियों को समान काम के बदले समान वेतन देने का वादा किया था लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं किया। उन घोषणाओं पर कहीं भी कोई उन्होंने अमल नहीं किया। नौजवानों के लिए उन्होंने कहा था कि सत्ता में आते ही 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ऐसे कई एक कर्मचारी थे जो अनुबंध कर्मी हैं जो काम कर रहे हैं उनके बारे में उन्होंने कहा था कि समान काम समान वेतन देंगे अस्थाई करने तक की उन्होंने बात की थी। 3 महीने पूर्व रिटायर हुए बोकारो इस्पात संयंत्र BSL के चीफ जनरल मैनेजर विभाकर सिंह लापता है। वह देर शाम तक घर नहीं लौटे उसके बाद चिंतित घर वालों ने उनको ढूंढना शुरू किया पर उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस उनकी खोज में लग गई है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही। वही सेक्टर 6 थाना प्रभारी ने कहा कि सूचना मिली है कि वरीय अधिकारी को सूचना दे दी गई है। वही घर पर पुलिस पहुंच परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। गए थे 11:30 से 12 के बीच में सुबह में और फिर मोटा मोटी आपका वही 4 बजे रखे ना 4 बजे रखे गाड़ी दुकान के सामने खड़ा किए। इंडको गार्ड था लाल कलर के वो डेली आते थे ऐसा नहीं है वो डेली आते थे 2 बार 3 बार रूटीन रात में भी आते थे करीब करीब 8:30-9 बजे कभी आ जाते थे डेली आ रहे हैं बहुत सर्विस में थे तब पर भी। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुंडू से जहां तोरपा क्षेत्र के उकड़ी माड़ी बाजार टाण के पास एक कुआं में फिर हाथियों के झुंड में से एक हाथी का नन्ना बच्चा कुएं में गिर गया। कुआं गहरा है और कुआं के पानी में लगातार हाथी का बच्चा तैरते हुए अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा। अकेला नन्ना हाथी पूरी रात से अब तक जीवन और मौत के बीच झूल रहा। आसपास के लोग देखने के लिए एकत्रित है लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है लेकिन आप बताते चले कि वहां की टीम उकड़ी माड़ी नहीं पहुंची थी। जामताड़ा में पिछले एक सप्ताह से तापमान में आई गिरावट आने से बड़ी ठंड के कारण जिले में जनजीवन पर व्यापक असर दिख रहा। अलाव का पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में लोग पत्ते सूखी लकड़ी आदि जलाने को विवश है।
कोहरे के बाद कनकने की रफ्तार पकड़ लेने से ठंड में इजाफा हुआ। सूर्य के क्षणिक दर्शन ने ठंड के हौसले को और बढ़ा दिया। विभिन्न चौक चौराहे, तिराहे, रेलवे स्टेशन, बाजार, हॉस्पिटल समेत भीड़भाड़ इलाकों में लोग अलाव तलाश करते दिखाई दिए। एक मिनट सर रुकिएगा। जमशेदपुर में लगातार ठंड अपना कहर दिखा रहा है, जहां कोहरे के साथ शीतलहर हवा ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। वहीं इस ठंड में रिक्शा चालक, ऑटो चालक के साथ गरीब लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद अब जिला प्रशासन पूरे शहर के सड़क पर निकलकर कंबल वितरण कर रहे हैं। साक्षी गोल चक्कर में सब्जी विक्रेता और रिक्शा चालकों के बीच कंबल वितरण किया गया। चाईबासा चक्रधरपुर रेलखंड के विमलगढ़ स्टेशन के यार्ड में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उक्त मालगाड़ी रोल होकर गिर गई। विमलगढ़ स्टेशन चक्रधरपुर रेल मंडल का सुदूरवर्ती इलाका में स्थित है, जहां यात्री गाड़ी कम चलती है। उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में अवस्थित विमलगढ़ स्टेशन के पास यह दुर्घटना हुई। गढ़वा जिले में भूमाफियाओं का राज चलता है। इस काले खेल में अंचल से लेकर कई सफेदपोश शामिल है। नगर परिषद के वार्ड एक में मौजूद शमशान घाट को ही भूमाफियाओं ने बेच डाला। वहीं अंचल अधिकारी ने कहा कि यह मामला जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत कागजात की जांच की तो मामला सही पाया गया। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में जमीन की जमाबंदी खारिज करने के लिए 16 लोगों का नाम वरीय अधिकारियों के पास भेजा गया है। जैसे ही कार्रवाई का आदेश आएगा, वहां से तुरंत अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। इस जमीन को भूमाफिया के द्वारा बेच दिया गया, लेकिन उससे ज्यादा दोषी अंचल कर्मी है, क्योंकि उनके द्वारा भूमाफिया के सामने पूरा अंचल को सौंप दिया गया और मनमाने पर उतर आए हैं। पहले की ही घटना है, हमको जैसे ही संज्ञान में आया, हमने पाया कि 2003-04 से लेकर 16-17 तक की अवधि में कुछ केवाला किए गए, उसका म्यूटेशन भी कर दिया गया और वो जमीन प्रारंभिक रूप से गर्मजरुआ मालिक खाते की है, जिसका उपयोग पूर्व में लोग शमशान घाट के रूप में करते थे। इतने दिनों में पता नहीं क्यों लोगों ने इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लाया। मेरे संज्ञान में जैसे ही लाया, हमने उसकी तहकीकात किया और जितनी भी जमाबंदी इस पर कायम की गई है, सभी जमाबंदियों की जांच करते हुए उसको खारिज करने के लिए अनुशंसा हमने किया है। लोहरदगा में बिना फायर एनओसी के अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है, और अगर कोई हादसा हो जाए तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दमकल विभाग के आंकड़ों के अनुसार एक दो अस्पतालों को छोड़ दे तो 95% से ज्यादा अस्पतालों में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है। विभाग समय समय पर अस्पताल संचालकों को नोटिस भेजने की कार्रवाई करता है, लेकिन यह कार्रवाई भी महज खानापूर्ति साबित होती है। बिना फायर एनओसी चल रहे अस्पतालों में लोग जान जोखिम में डालकर उपचार ले रहे और पुलिस प्रशासन बेखबर है। जितना भी अभी हॉस्पिटल है, सब हॉस्पिटल का, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, सब जगह इंस्ट्रक्शन हमने कर लिया है। तो प्राय जगह देखे कि बिल्डिंग जो बना हुआ है, बिल्डिंग सही रूप में नहीं बना हुआ है। बिल्डिंग का जो है इन और आउट हर बिल्डिंग में होना चाहिए, किसी भी आग लगने पर आपातकाल के लिए उससे बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता रहता है, जिसके कारण कि आग में छेका जाता है अपने लोग, पेशेंट लोग जो चल फिर भी नहीं सकते हैं, वैसे व्यक्ति को निकालना मुश्किल हो जाता है। देवघर नगर निगम अब प्रधानमंत्री शहरी वर्टिकल हाउसिंग स्कीम के तहत गरीब लोगों को फ्लैट आवंटित किया जा रहा है। इसी को लेकर आज निगम परिसर में लॉटरी सिस्टम से लाभुकों को फ्लैट आवंटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भजंती व नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल द्वारा किया गया। उपायुक्त मंजुनाथ भजंती व नगर आयुक्त ने 191 लाभुकों को फ्लैट आवंटित किया और स्कीम में तकरीबन 2254 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन दिया, जिसमें 191 लोगों को फ्लैट आवंटित किया गया।
लातेहार में बढ़ते सर्दी के सितम के बीच उपायुक्त अबू इमरान ने गरीब व सहाय व जरूरतमंद की सकुशलता के लिए प्रति बताते चले आपको कि जिला मुख्यालय के डूरवा में आश्रय गृह को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इस आश्रय गृह में सर्दी से बचाव की समुचित व्यवस्था किया गया है, जिसमें वाटर गीजर, रूम हीटर व प्रकाश की व्यवस्था किया गया है। धनबाद में वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए क्रिसमस और नए साल के आगमन की खुशी को मनाए जाने में एहतियात बरतने और सरकार द्वारा निर्देशित गाइडलाइन का पालन करने की अपील जिला प्रशासन ने की है। क्रिसमस के उपलक्ष्य में धर्मावलंबियों एवं गिरजाघर के प्रमुख वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं, ऐसे में सरकार द्वारा निर्देशित गाइडलाइन व नियमों का पालन करते हुए क्रिसमस का त्यौहार मनाए। गढ़वा में मानवता शर्मसार हुई, जहां एक परिवार को अपने दो दिव्यांग बेटे को जो चलने में असमर्थ है, ठीक से ना बैठ पाते हैं और ना ही सो पाते हैं, उन्हें अंत्योदय कार्ड में नाम जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर दूर गढ़वा जिला मुख्यालय आना पड़ा। आप जब इन दो दिव्यांग बच्चों से मिलेंगे तो आपकी आंखें आंसू से भर जाएंगे, क्योंकि अधिकारियों को दिखाने के लिए इन्हें आज यह कष्ट झेलनी पड़ी। वही जिला समाहरणालय के डीसी कार्यालय के बाहर जमीन पर सोए यह बच्चों की तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। हम राशन कार्ड के लिए आए हैं, जो कि मेरे पास कोई समस्या का ब्लॉक में कोई समाधान नहीं हुआ, और मुखिया लोग के कहते हैं तो लोग कहता है कि आप अभी कोई कमी नहीं है, और मेरे द्वारा तत्काल जांच करवा के अंत्योदय कार्ड के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अनुरोध पत्र भेज दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि एक से दो दिन में उनका कार्ड निर्गत हो जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को एक और कामयाबी मिली। मुठभेड़ में 2 लाख इनामी पीएलएफआई एरिया कमांडर पुणे उराव के मारा गया। बताते चले कि एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने इसकी पुष्टि की। वही पुणे उराव के ऊपर झारखंड पुलिस ने 2 लाख का इनाम रखा था। हजारीबाग पुलिस ने अफीम तस्करी के मामले में गिद्दौर पुलिस के सहयोग से छापेमारी अभियान चलाकर तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि किशोर के घर में रखे 15 ग्राम ब्राउन शुगर, प्लास्टिक के पैकिंग, पाउच और तौलने की छोटी मशीन व अन्य सामग्री को बरामद किया गया। झारखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या में फिर से इजाफा हो रहा। दिसंबर महीने से जैसे जैसे ठंड बढ़ रही, वैसे वैसे कोरोना ने फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए। मरीजों के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को भी अगर बात करें तो रांची में 104 कोरोना के मरीजों की पुष्टि, और आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो 14 दिसंबर के बाद से रांची सहित पूरे राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी आई है। धनबाद झरिया का लाल देगा कोरोना वैक्सीन के टेस्ट में अपना योगदान। वैश्विक महामारी कोरोना, जिसने पूरे विश्व में तबाही मचा रखी है, उसी कोरोना के खात्मा के लिए बन रही वैक्सीन का ट्रायल अपने ऊपर करवाने के लिए झारखंड के झरिया का युवा सूरज गुप्ता ने अपनी मर्जी से सहमति दे दी और इसने काम के लिए सोमवार को पटना गए, जो पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अपने ऊपर करवाने की इच्छा जताई और इसके लिए स्वयं पता करके संबंधित विभाग से संपर्क करके ट्रायल की इच्छा जाहिर की। और इसी के साथ झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास कार्यक्रम हमारे संपादक संतोष सिंह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।